ये लोग आते हैं, इनको जब एक मकाम मिलता है तो ये सिर्फ आते हैं 10 मिनट के लिए, वीडियोस बनाते हैं और ये चले जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? शल तो हम खा रहे, जख्मी हम हो रहे हैं, इन लोगों का क्या जा रहा है? मेरा पैगाम इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि इमरान खान तक जाए। पुलिस भी शेलिंग कर रही है। अब आज सुबह इन लोगों ने एक और कारनामा किया है कि इन लोगों ने डायरेक्ट फायर किए हैं, हमारे ऊपर सीधे फायर किए हैं। शुक्र इन लोगों के साथ लड़ रहे हैं, इन लोगों ने हमारे शेल मारे हैं, मेरा पाँव जख्मी है, मेरा हाथ जख्मी है। इनके खिलाफ हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप कहाँ से आए हैं और कितने मुश्किलात पेश आए हैं? सर मैं ज़िला रहीमियर खान से आया हूँ, कल सुबह 10 बजे का यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आके इन लोगों के साथ लड़ रहे हैं, इन लोगों ने हमारे शेल मारे हैं, मेरा पाँव जख्मी है, मेरा हाथ जख्मी है। इनके खिलाफ हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती। हाँ जी, कल सुबह से आप यहाँ पर हैं, कितनी मुश्किलात पेश आए हैं आपको? सर मुश्किलात तो देखे ना, एहतजाज नाम ही मुश्किलात का है, मुजम्मत का नाम है। अब पुलिस भी शेलिंग कर रही है। अब आज सुबह इन लोगों ने एक और कारनामा किया है कि इन लोगों ने डायरेक्ट फायर किए, हमारे ऊपर सीधे फायर किए। शुक्र फायरिंग की है, आपकी फायरिंग की है सीधा। अभी लड़कों के पास खोल है, अभी वो लड़के पास नहीं है, मैं आपको सबूत भी दिखाता। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि कल 10 बजे से हम लोग ये सारे अवाम नौजवान यहाँ पे इकट्ठे हैं। पीटीआई की लीडरशिप अभी तक कोई भी नहीं आई। अली अमीन रास्ते में आ रहे हैं, आखिर उसको बहुत अपना रास्ता उनका बंद है, बहुत मुश्किलात के वो भी शैलिंग का फायरिंग का सामना करते हुए आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी पहुँच जाएंगे। बाकी बात ये है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नई महेंद्र पंजोता आया है, उसने केक काटा है, उससे पहले थोड़ी देर के लिए आया है, वीडियोज़ बनाई है, वो भी चला गया। उसके बाद आलमगीर खान आया है, वो भी थोड़ी देर यहाँ पे रहे हैं कराची से काफले के साथ, वो भी चले गए। आली हमदर रही है, वो भी चली गई है शैलिंग को देख के। सब लोग शैलिंग को यहाँ से देख के चले गए, सब लोग चले गए। आप वर्कर को छोड़ के, वर्कर्स को छोड़ के चले गए। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ अकेले, कल 2 बजे से शैलिंग शुरू हो रही है। और मैडम हमारे साथ है जुलेखा मंदोजई, जो कि सूबाई सदर बलूचिस्तान, ठीक है, वो हमारे साथ दिलेर खातून है, वो हमारे साथ कल से आज तक अभी तक भी खड़ी हुई है। हम शेल भी खा रहे हैं, रात को सोए भी नहीं है, नींदें भी पूरी नहीं है। हम बताना चाहते हैं लीडरशिप को, ये मेरा पैगाम इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि इमरान खान तक जाए, सुने ये हो रहा है। ये लोग आते हैं, इनको जब एक मकाम मिलता है तो ये सिर्फ आते हैं 10 मिनट के लिए, वीडियोज़ बनाते हैं और ये चले जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? शेल तो हम खा रहे, जख्मी हम हो रहे हैं, इन लोगों का क्या जा रहा है? ये इलीट किस्म के लोग हैं, ये लोग हम जैसे लोगों को ऊपर आने नहीं देते। कल सारा दिन सारी रात, और एक बात, बलूचिस्तान का जो MNA है जिसका मैंडेट चोरी किया गया, सद्दाम खान तरीन, वो भी रात को शैलिंग में हमारे साथ मौजूद था। और कुछ नहीं कहना चाहता सर, हम यहाँ पे आए हैं, दो बातें ही कहूँगा, या तो हम यहाँ पे मौत मिलेगी या फिर आज़ादी लेकर जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।